नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार में आज 25 मई को छठे चरण का मतदान संपन्न हो गया। 8 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहे थे, जिसमें वैशाली लोकसभा सीट भी काफी ज्यादा चर्चा में था। वहां भी मतदान संपन्न हो गया है, लेकिन वहां से एक तस्वीर सामने आई है जिसमें वीणा देवी की गाड़ी जो है एक मतदान केंद्र पर पहुंची थी और मतदान केंद्र पर स्थानीय जो ग्रामीण थे उनके द्वारा उनकी गाड़ी को खदेड़ दिया गया, जिसमें सुरक्षाकर्मी भी थे मौजूद और खदेड़ दिया गया, जिसके बाद वीणा देवी ने आरोप लगाया कि उन पर जो है ग्रामीणों ने पिस्टल भी दिखाया है और हमला करने की तैयारी में थे, जिसको लेकर के उन्होंने शिकायत दर्ज की। ये मामला जब ज्यादा वायरल होने लगा तो फिर एसपी जो है वहां के वैशाली जिले के, उन्होंने जांच पड़ताल करवाई और बड़े अधिकारियों से बातचीत भी की। बातचीत के बाद उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ भी मामला सामने नहीं आया है, बस ग्रामीणों ने विरोध किया था। वीणा देवी की गाड़ी जो है उस मतदान केंद्र पर 4 बार जा चुकी थी और 4थे बार जाने के बाद जो है ग्रामीणों ने उनका विरोध किया और मुन्ना शुक्ला जिंदाबाद के नारे भी लगाए हैं। तो आप भी वो वीडियो देखिए किस तरीके से वहां पे नारा लगाया गया और वीणा देवी को खदेड़ दिया गया। उसके बाद जो है एसपी का बयान क्या आया है। लोकसभा अंतर्गत आज जो मतदान जारी था उसमें पारू विधानसभा के अंतर्गत बूथ नंबर 187 है और 88 है, जो चिंतावनपुर पड़ता है वो वहाँ पर है। और वहाँ के बारे में एक खबर प्रकाशित हो रही थी कि जो प्रत्याशी हैं श्रीमती वीणा देवी, उनको पिस्टल दिखाया गया। हम लोगों ने बहुत सीनियर फॉर्मेशन से वरीय पदाधिकारियों से इस चीज़ की जाँच कराई है। इस घटना में मात्र इतना ही पाया गया है कि जो कैंडिडेट हैं श्रीमती वीणा देवी, उनके द्वारा उस बूथ का 4 बार भ्रमण किया गया और जब 4थी बार भ्रमण करने वहां गई थी तो वहां लोकल मतदाताओं ने उनका मात्र विरोध किया है और विरोध के उपरांत वो वहां से वापस चली गई हैं। उन पर हमला होना या पिस्टल दिखाना, ये दोनों ही प्रकार की खबरों में ऐसी कोई सत्यता नहीं है और हम लोग इस चीज़ का खंडन करते हैं। वहाँ पर मात्र उनका विरोध किया गया था। इन दोनों ही बूथों पर बहुत अच्छी तरीके से मतदान जारी है। बूथ नंबर 87 पे अभी तक 60% मतदान हो चुका है और बूथ नंबर 88 पे अभी तक 64% मतदान हो चुका है। अभी मात्र 25 मिनट और शेष है और मतदान जो है बहुत अच्छे तरीके से अभी चल रहा है। तो उन्होंने इसको लेकर शिकायत की। तो आपने सुना कि एसपी ने क्या कहा है, उसके साथ ही वैशाली जिले के डीएम जो है उन्होंने भी कहा है कि अभी जो है मतदान जो है 56% हो चुका है। तो आपको बता दें कि शाम 5 बजे की खबर थी, 58% जो है मतदान 6 बजे तक हो चुका था। और क्या कह रहे हैं डीएम, वो भी आप सुनिए। फिगर जो 1 घंटे में आता है 6 बजे के आसपास का, वो आप लोगों से हम लोग शेयर कर देंगे और उसके बाद फिर फाइनल जो वोटर टर्नआउट है वो देर रात्रि तक हम लोगों को पता चल पाएगा। फाइनल फिगर हम लोग आपसे जो है देर रात्रि में या कल शेयर कर देंगे। अभी तक कहीं से किसी तरह की कोई विधि व्यवस्था की कोई गंभीर समस्या प्रतिवेदित नहीं हुई है। हम लोग लगातार भ्रमणशील रहे हैं और बहुत अच्छे माहौल में वातावरण में इस फेज का भी चुनाव, जैसे मुजफ्फरपुर लोकसभा का हुआ था, इस फेज का भी चुनाव जो है वो संपन्न हो रहा है। थोड़ा सा समय रह गया, हम लोग अच्छे तरीके से इसको भी कंप्लीट करेंगे। सर, वोटिंग वो मतदाता सूची शिकायतें कई जगहों पे मिली थी इसमें क्योंकि ये बहुत लंबा चौड़ा एक्सरसाइज चला था पिछले कई महीने पहले, पिछले साल आप कह लीजिए, जिसमें नोटिसेस लोगों को दिया गया था पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, फिर सुनवाई करके अगर 2 या 2 से अधिक स्थानों पर नाम था तो उनका ऑप्शन दिया गया था कि एक जगह पर नाम रखें जगह हट जाएगा। तो ये इंडिविजुअल केस बेसिस पर चेकअप करना पड़ेगा। अगर मतदाता खुद शिकायत करते हैं, वैसे हमारा टोल फ्री नंबर है 1950, जहाँ फ़ोन करके आप अपना वोटर आईडी कार्ड बताएंगे तो उससे पता चल जाएगा कि आपका नाम कहाँ अभी है, किस विधानसभा क्षेत्र में, कौन से बूथ में। अगर कोई इंडिविजुअल इस तरह की शिकायत आती है तो बिल्कुल हम लोग उसमें जांच कराएंगे और कोई अगर उसमें दोषी भी पाए जाएंगे, चाहे BLO हो या कोई और पदाधिकारी, बिल्कुल हम लोग उसमें PCI की गाइडलाइन के अनुरूप कार्रवाई करेंगे।
तो आपने सुना कि एसपी ने इस बात का खंडन कर दिया है कि वीणा देवी को पिस्टल नहीं दिखाया गया था। अब आपको बता देते हैं कि वीणा देवी जो है चिराग पासवान की पार्टी की कैंडिडेट हैं, एनडीए प्रत्याशी हैं, जो कि वैशाली जिले से चुनाव लड़ रही हैं और फिर से वो चिराग पासवान के साथ आ गई हैं। वीणा देवी पहले पशुपति कुमार पारस जो उनके चाचा हैं उनके खेमे में चली गई थी, तो अभी वीणा देवी को टिकट मिला है और वो वैशाली से चुनाव लड़ रही हैं। तो मतदान तो हो चुके हैं और उनके विरोध में जो है आरजेडी के प्रत्याशी हैं मुन्ना शुक्ला, वो वहाँ से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मुन्ना शुक्ला की जो पत्नी है वो वहाँ से चुनाव लड़ रही हैं और मुन्ना शुक्ला के लिए वहाँ पे जिंदाबाद के नारे भी लगते हुए वीडियो में दिखाई दिए हैं। फिलहाल जो है 4 जून को रिजल्ट सामने होगा, किसकी जीत और किसकी हार होती है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है, आपका क्या कहना है इस वीडियो पर ये सब हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताएं और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।